हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब मायसेल्फ अभिषेक। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और आखिरकार फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि नीट की जो एडमिट कार्ड है वो आज रिलीज कर दी गई है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कल एचआरडी जो है वो लाइव थे डीडी नेशनल पे और उन्होंने बताया कि नीट की और जो जेईई की एग्जाम है वो अपने समय पे ही होगी। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि नीट और जेईई पोस्टपोन्ड होगी, तो ऐसे समय में उन्होंने नीट और जेईई पोस्टपोन्ड नहीं होगी ये बात तो कह दिया। और उन्होंने ये भी बात रखी है कि बहुत अच्छी तरीके से वहां पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, एसओपी का पालन होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एसओपी की जितनी भी धज्जियां उड़ी गई है आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस प्रकार हमारे एसओपी की यहां पर ध्यान रख के वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है, क्या सैनिटाइजिंग की यूज हुई और जो वो थर्मल स्क्रीनिंग होता है वो भी किस प्रकार से वहां पर की गई है, मैंने सभी वीडियो में अपना बताया हुआ है आप सभी को। तो ये जो एसओपी है आप जो बार बार सुन रहे हो, आखिर ये एसओपी आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स एसओपी तो आप जानते होंगे मगर किस प्रकार इसकी धज्जियां उड़ाई गई है मेरे आप हर वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कल एचआरडी ने कहा था कि जब नीट की जो एडमिट कार्ड है जब वो रिलीज हो जाएगी तो लगभग अगर बच्चे 85% बच्चों ने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर ली है, यानी सभी बच्चे चाहते हैं एग्जाम हो, तो सर आप लोग को ये दिखता है कि 85% बच्चों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया है क्यों? सर आपको ये नहीं दिखता कि लगभग 50 लाख 60 लाख बच्चे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपको वो नहीं दिखता? सर लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या वो नहीं दिखता आपको? लगातार बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपको वो नहीं दिखता? लगातार न्यूज अपनी तरफ से कह रही है कि नीट पोस्टपोन होनी चाहिए, क्या आपको वो नहीं दिखता? लगातार पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि नीट और जेईई पोस्टपोन हो जाए, क्या वो भी आपको नहीं दिखता है? क्या आपको 85% बच्चों ने एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर लिया वो आपको दिख गया मगर क्या आपको ट्विटर नहीं दिखता है? मैं बस आपसे यही सवाल करूंगा। आप सभी को पता है अभी संसद भवन बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोर्ट बंद है, तो क्यों सर जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं क्या उनको अपने जान प्यारी है और हम लोग बच्चों की जान प्यारी नहीं है? क्या सभी अपने लिए जिम्मेदार है कि हमारी जान प्यारी है? क्या बच्चों की कोई जान की प्यारी कोई उनका कोई मतलब की मतलब ही नहीं है? जितने भी गार्जियन हमारे गार्जियन हैं उनकी जान की कोई फिक्र ही नहीं है हम लोग को? आपने तो कह दिया सर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो सभी को पता है, क्या वहां पर सुरक्षा दी जाती है वो सभी को पता है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर बहुत अच्छी तरीके से सुविधा होगी, बट सर 28-29 राज्य हैं, कहां कहां आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे? क्या आप हर जगह जाके चेक करने वाले हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों वा चाहे वो सिविल कोर्ट के जज हों, वो अभी बीसी के द्वारा जितने भी उनके केस हैं उसमें वो बात करते हैं। बीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो अपने जितने भी केसेस हैं उनको अभी उसमें देखते हैं। तो सर आखिर जज लोग को डर इसलिए है कि उनको कोरोना हो जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं, मैं झारखंड के एक छोटे से शहर में रहता हूं और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं इस छोटे से शहर में लगभग 600 से ज्यादा संक्रमित हैं। अब आप मुझे बताइए इतने छोटे से शहर में 600 से ज्यादा संक्रमित ये कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों को बता दूं मेरे घर के आसपास ही ऐसे बहुत लोग हैं जो संक्रमित हैं अभी कोरोना से। ऐसे समय में हम बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जब हम लोग एग्जाम सेंटर से जब घर वापस आएंगे तो क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या हमारे जो गार्जियन है वो सुरक्षित रहेंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? केसीटी जो एग्जाम हुई थी उसमें कोरोना जो बच्चे को कोरोना हो गए थे इससे इसकी जिम्मेदारी कौन लिया? तब भी तो एसओपी वहां पे था, तब भी तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन हो रहा था, आखिर बच्चों को कोरोना हो कैसे गया? 57 या फिर 59 जितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी मृत्यु हुई आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों सभी आपको नहीं दिखता? सर आपको तो दिख गया 85% जितने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे यानी बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, तो आखिर आपको ये सब क्यों नहीं दिखता सर? जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं जैसा कि मैंने आपको बोला मैं झारखंड एक छोटे से जगह में रहता हूं, मेरे आसपास जितने भी सरकारी कार्यालय हैं मैंने वहां पर गया है, मुझे भी अभी आप सभी जानते हो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं, बैंक हो गए या फिर ब्लॉक हो गए, ऐसे ऐसे जगह पर उनको जाना पड़ता है कुछ भी काम के लिए। जब भी मैं जाता हूँ वहां पर सर तो वहां पर क्या स्थिति होती है जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले एक बैंक गया था, मैं अपना एटीएम खुलवाने के लिए अपना बैंक गया था, तो वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से सैनिटाइज कराया गया मैं आप लोगों को बताता हूं। सरकार ने कहा है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें आप, मैं बताता हूं आपको वो सरकारी दफ्तर में
हाथ को क्लीन करने के लिए वहां कॉलिन दिया गया था, जिससे आप ग्लास साफ करते हो, जिससे आप टीवी साफ करते हो, जिससे आप टेबल साफ करते हो, वो कॉलिन। और सर मैं भी उसमें ही बता दूं, उसमें भी घोटाला था, उस कॉलिन वाले में भी घोटाला था सर, उसमें भी पानी मिलाया हुआ था। अब आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की सुरक्षा है? इसी प्रकार की सुरक्षा की वो बात कर रहे थे क्या? थर्मल स्क्रीनिंग, इसके नाम पे तो खाना पूर्ति होती है सर, क्या मैं बताऊं आप सभी को? इसके नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। किस टाइप से वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? वहां कुछ तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आप एग्जाम सेंटर में तो संभाल लोगे, बट जब बच्चे ऑटो से उतरेंगे, घर से जब आने के लिए निकलेंगे, उस समय उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है सर इस बात को? जैसा कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, तो वो जब भी लेक्चर देते हैं या फिर कहीं भी अपना भाषण देते हैं या फिर कोई भी निर्णय लेते हैं, तो अभी के समय में वो अपना मुंह पे मास्क लगाकर ही बात करते हैं। मगर जो हमारे निशांत सर हैं, अभी तक जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं, अभी तक कभी भी उनको मास्क लगाते हमने नहीं देखा। जैसे कि कल वो डीडी न्यूज पे लाइव थे, उस समय भी उनका मास्क नहीं था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब चैनल पे कल लाइव भी थे वो अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव भी थे, वहां पर भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था। तो क्यों सर आप मास्क एक घंटे क्या आधा घंटे भी नहीं पहन सकते हो? तो हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग लगातार 3 से 4 घंटे मास्क पहन के रहेंगे? जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, बच्चों को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 1 बजे से 1:30 बजे तक, एग्जाम शुरू होगी 2 बजे तक, किन्हीं किन्हीं बच्चों को दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे तक और एग्जाम स्टार्ट होगी 2 बजे तक। ऐसे समय में बच्चे सर लगभग 3 से 4 घंटे मास्क कैसे लगा के रखेंगे, थोड़ा वो भी मुझे बता दीजिए। क्या कोरोना मास्क देख के आता है कि अभी मास्क लगा हुआ है, अभी आ जाना चाहिए? ऐसे स्थिति में आप मुझे बताइए क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे? बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब बड़े को समझ नहीं है तो बच्चे तो बच्चे होते हैं सर। जब बच्चों से जब बड़ों से मास्क नहीं संभाल पाता है आधे घंटे भी, एक घंटे भी, तो क्या लगता है बच्चे 4 घंटे 5 घंटे मास्क पहने रह सकते हैं? वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉलिन यूज किया जाता है सर, कॉलिन, और बिल्कुल पानी मिलाया हुआ कॉलिन। तो ये है सरकारी कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट दफ्तर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी कार्यालय की बात कर रहा हूँ। बच्चों को कहा गया है कि आप हैंड ग्लव पहन के एग्जाम लिखेंगे। आप मुझे बताइए सर, पता है बच्चे अभी क्या ट्राई कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आज अपने मित्र से बात किया, उन्होंने कहा मुझे कि अभिषेक देखिए आज मुझे एक बहुत बड़ा हंसी आ रहा है मुझे इस बात पे कि आज हमको ट्राई करना पड़ रहा है कि हैंड में ग्लव पहन के कैसे मैं एग्जाम लिख पाऊंगा। अब आप मुझे बताइए बच्चे इस समय एग्जाम की तैयारी करेंगे कि वो लिखने की तैयारी करें कि आप हैंड ग्लव पहन के कैसे एग्जाम लिख सकते हो? सबसे बड़ी बात सभी बच्चे कह रहे हैं कि जब चश्मा लगाएंगे सर आंखों पर, तो जाहिर सी बात है फॉग आके पूरा जो चश्मा है वो पूरा ब्लर हो जाएगा। ऐसे समय बच्चे लगातार क्या उसको कैसे क्लीन करेंगे? और एक लड़की ने बिल्कुल सही बात कही है उसने कहा क्या हम लोग को भी एक मतलब कि जो हमारा चश्मा क्लीन करने के लिए कोई वहां पर खड़ा रहेगा कि हाँ बच्चे का चश्मा खराब हो गया है उसको साफ कर देना चाहिए? ऐसा कहीं नहीं होगा सर, स्थिति वही रहेगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि जितने भी स्टूडेंट है और जितने भी पेरेंट्स है, जैसे चलिए मैं मान के चलता हूँ, बस एक रेशियो लेकर चलता हूँ, जैसे कि एक बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, मैं एक मोटी मोटी एक छोटी सी बात लेकर चल रहा हूँ, जैसा कि एक बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तब एक बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है उनके माता पिता या फिर एक चलिए उनके पिता एग्जाम दिलाने ले जाएंगे। 25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे सर, यानी पर हेड एक पेरेंट्स उनके होंगे ही, तो 25 × 2 यानी 50, यानी 50 लाख लोग होंगे एक साथ। अब आप मुझे बताइए 50 लाख लोग जब अपने अपने घर लौटेंगे तो आप मुझे बताइए जो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था वो अपनी घर बीमारी लेके वापस आ जाएगा, उनके वहां पर ग्रैंड मदर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, मम्मी होगी, पापा होंगे, चाचा होंगे या फिर अदर जितने भी ओल्ड एज पर्सन होंगे, क्या उन तक वो कोरोना नहीं पहुंचेगा? आप मुझे बस ये इस बात का जवाब दीजिए, यानी आप लोग को अपनी जान प्यारी है, बच्चों पे क्या बीत रही है वो नहीं चलेगा सर। दूसरी बात में जैसा कि आप लोगों को बता दूं, दूसरी बात पर इस बात की धारणा चल रही है, सभी कहते हैं बच्चे डर रहे हैं सर, लगभग 50 लाख बच्चे ये कह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो जानी चाहिए। क्या 50 लाख बच्चे डर रहे हैं? आप मुझे बताइए, बच्चे डर नहीं रहे हैं, बच्चे कोरोना से डर रहे हैं। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि बच्चे को तैयारी नहीं है, सभी बच्चे तैयारी करके रखे हैं, टॉपर से टॉपर बच्चे भी जानते हैं कि उनका क्या हश्र होने वाला है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि उनकी तैयारी नहीं पूरी हुई होती है,
बच्चे की तैयारी हो चुकी है और बच्चे सिर्फ घबराते इस बात से हैं कि उनका क्या हश्र होगा एग्जाम सेंटर में, वहां पर क्या बीतेगा उन पर, वो सभी जानते हैं। बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे एचआरडी डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि लगातार बच्चे और पेरेंट्स उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी ली जाए। अरे सर मैं आपसे पूछता हूँ, कौन बच्चे कहते हैं सर आपको? लगातार बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, वो तो आपको दिखती नहीं है। और कौन बच्चे हैं सर जो ऐसा कहते हैं कि जल्दी नीट ले लीजिए? और कौन पेरेंट्स है ऐसे? क्या कुछ दिन पहले जो आज तक पे दिखाया जा रहा था वो बच्चे हैं क्या? वो पेरेंट्स हैं क्या जो बोलते हैं कि एग्जाम ले लेनी चाहिए? जिनके पीछे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का पोस्टर लगा हुआ था, क्या वही सब पेरेंट्स हैं क्या जो कहते हैं कि नीट ले लेनी चाहिए? लगातार जितने भी सभी लोग हैं वो अपनी तरफ से राय रख रहे हैं, क्या जितने भी बड़े लोग बोल रहे हैं अभी, क्या वो गलत बोल रहे हैं? नीट ऐसे समय में पोस्टपोन होनी ही चाहिए। अगर आप लोग को परीक्षाएं लेनी भी थी तो आप पहले ही ले लेते, जिस टाइम पेशेंट कम थे, जिस टाइम कोरोना संक्रमित कम मिल रहे थे, उसी टाइम आपको एग्जाम ले लेनी चाहिए थी। ऐसे समय में जब 70 से 80 लाख पेशेंट रेगुलरली मिल रहे हैं, तो ऐसे समय में आप कहोगे कि एग्जाम होनी चाहिए, तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएंगे सर? ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा इतनी आसान नहीं होती सर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि बच्चे इजिली जाके एग्जाम दे लेंगे, वो इतना भी आसान नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो परीक्षा है बहुत ही टफ होती है। ऐसे में उनका माइंड जो पूरा अच्छी तरीके से शार्प होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उनको अपने एग्जाम पे, तब बच्चे अच्छे से जाके एग्जाम दे पाएंगे। अब आप मुझे बताइए सर, हैंड में ग्लव, पेरेंट्स का चिंता और मुंह पे मास्क, आप मुझे बताइए क्या बच्चे ऐसे में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? आप तो फुल एसी रूम में, एयर कंडीशनर रूम में सर कह देते हो कि नीट पोस्टपोन नहीं होगी, जेई पोस्टपोन नहीं होगी, अपने समय पे होगी, गार्जियन और बच्चे प्रेशर दे रहे हैं। तो सर वो एसी रूम से थोड़ा बाहर आइए और बाहर की दुनिया थोड़ा देखिए कि बच्चे किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कर्नाटक में आप होते तो आपको भी समझ आता कि वहां की क्या स्थिति थी, कर्नाटक में क्या हाल हुआ था, वो आपको भी समझ आती सर। तो हमें जवाब दीजिए कि आप चुप क्यों हैं? बच्चों को अगर कुछ होता है, गार्जियन को कुछ होता है, तो उनका जवाब कौन देगा? ये सवाल मेरी तरफ से है। अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ होता है, अगर मुझे कुछ होता है, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी हॉस्पिटल उनकी क्या कंडीशन है वो आप सभी भली भांति जानते हैं, क्या कंडीशन है सभी अस्पतालों की, किस टाइप से वहां पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वो भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ऐसी स्थिति में अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जानकारी और इसका जवाब मुझे चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आप जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, वही सरकार से जवाब पूछेगी कि मेरे जितने भी सवाल है उनका जवाब कौन देगा। आई होप फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल प्रेस कर दें, और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स मैं लगातार आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, नीट और जेई का एडमिट कार्ड आ चुका है, फिर भी हम लोग होप बना के रखे हैं कि नीट और जेई पोस्टपोन होगी और होगी, हम लोग लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे समय में आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और ट्वीट जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ट्विटर का अकाउंट डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और ट्विटर पर लगातार ट्वीट करते रहो। अगर वो लोग ट्विटर डिलीट करते हैं तब भी आप ट्वीट करते रहो, और पढ़ाई करो फ्रेंड्स ऐसे समय में, और अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।